जय माल काली। तो तुम व्यू जो देख रहे हो मालिक जो लेफ्ट साइड होते केक सजा जोरदार तालियां मारो परिवार के वास्ते, क्योंकि पता ही है कि अज का जो सत्संग है मालिक के जन्मदिन की खुशी के हो रहा है, और केक भी मालिक पांच माह की जन्मदिन की खुशी के केक परिवार वाले लैके आए हैं। जरा मालिक जी उन्होंने आरजू पूरी कर जा रहे, जरा जोरदार तालियां मार दियो जी, आप केक सारिया माफी मांग लिया जी। जय माल गांधी। एक होर केक है जी मालिक की लेफ्ट साइड से सजा जी, बच्चे का नाम है नवनीत, जोरदार तालियां मार दियो। किड्डी बड़ी किस्मत है मालिक जी अपनी मुबारकबाद नाल केक कटे जा रहे है। कितने है जी बच्चा जिसका नाम नवनीत है, जिसका केक है जी? खुशियां के खजाने मालिक जी खोलन जा रहे हैं, जोरदार ताली मारो मालिक के नाम लिया। तो आप दोनों हाथों के नाल आप अज्ज खजाने में लुट के अपनी चोलियां भर के अपनी जिंदगी सफल करनी है। उसके वास्ते तुहाडा भी बेनती करता कि आओ सारी भैन भरा एक मन एक चित्त हो के हर चीज़ तो ध्यान हटा के बस अपने रूह दी तारा मालिक के कदमों नाल जोड़ दी। अगर आप चाहते हैं कि पूरी पूरी रहमत असीं अपनी चोली समेटिए, बेनती करूँगा कि जिहड़े जिहड़े मेरे भैन भरावां दे जेब दे विच मोबाइल फोन है जी, जरा जल्दी जल्दी उन्होंने स्विच बंद कर लो जी, ताकि मालिक जी के एक एक अनमोल इलाही वचन का पूरी तरह आनंद लैके असी अपना जन्म सफल करना है। मोबाइल फोन बंद करने की कृपालता कर लो जी। जय मालकां दी, जय मालकां दी, जय मालकां दी। सारे ठीक हो तुसी? खुश हो? चलो अज का पहला सत्संग शुरू करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिया नू इस सत्संग च बैठन का इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिल रहा है, सब तो पहला असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों नू बहुत बहुत बधाई देवे, मुबारकबाद देवे, क्योंकि तुसी जानते ही हो कि परिवार ने अज का सत्संग किस खुशी में रखिया है, पता ना तुहानू? दस दियो फिर तुसी दस दियो सानू, क्योंकि 5 मार्च नूं ये कहिंदे मालको तुहाडा जन्मदिन सी जो दरबार से मनाया गया सी, इसलिए इन्होंने अज का यह सत्संग साडे जन्मदिन की खुशी में सानू एक गिफ्ट किया है। तो देखो एडा वड्डा गिफ्ट सानू दिता गया, अज तुसी सारे इत्थे पहुंचे हो, तो सब तो पहला तुहाडा आण ते स्वागत है दिलों, और अच बड़ा आनंद लेना है। आनंद वैसे आ रहा कि नहीं, कह दो आनंद आ गया, आ गया,
आ गया आ गया आ गया। इतनी आनंद नूं फील करना फिर ही आनंद आना है, क्योंकि बहुत जी पहली बार अज बैठे है सत्संग दे विच, उन्हां कहणा की हो रहा है, ये बहुत कुछ होना है अज, हाले तां यह ट्रेलर है, फिल्म तक ही चलनी है, अगे अगे देखो फिर तुसी तुहानूं फिर पता लगेगा सत्संग कहिंदे किहनूं है, क्योंकि सत्संग का मतलब ही है जिथे साडे जीवन च बदलाव आवे, एक एनर्जी आवे, एक ऊर्जा आवे, एक शक्ति आवे, एक खुशी आवे, थोड़ी के सत्संग च बह के पिछे नींदी लैके धोखाइयां लैके उठ के चले जाइए, लंगर पानी छकिया तां घर नूं नहीं, सत्संग होगा जिथे साडे अंदरों एनर्जी और ऊर्जा भरी जाती है, हुण देखो कितनी एनर्जी आनी है, भेजी एनर्जी थोड़ी जी होर, फील करो एनर्जी आ गई आ गई आ गई आ गई एनर्जी आनी है, सो अज दे एनर्जी भी लैनी है, आनंद भी लेना है, पर उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह नाल असीं सारे इत्थे इकट्ठे होए हाँ, जिन्हां ने इन्नियां तैयारियां कीतियां, इन्ना शानदार सुंदर इंतजाम किया, और साडा फर्ज बनता है कि सब तो पहले असीं इस सारे परिवार वास्ते उस मालिक दे चरणा च अरदास बेनती करिए कि मालिक ए परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल हमेशा भरपूर रखण, वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण, कमां कारज बरकतां देण, तंदरुस्ती देण, और जिहड़े इस परिवार दे मैंबर परदेसां च बैठे आ मालिक उन्हां नूं भी तंदरुस्ती देण, उन्हां दी कमाई च भी बरकतां पाण, और जिस तरह अजे खुशियां नाल सत्संग करवा रहे हैं मालिक, इन्नी रहमत कर, ताकत देन, इन्नी कृपा इन्हां ते कर, इन्नी खुशी, कामयाबी, बरकत देन इन्हां नूं कि हर साल इसी तरह सत्संग करवाते रहन, तां सानू वी इहदी आनंद लैण दा मौका मिलदा रहे, ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। बाकी बहुत कुछ अज इन्होंने हासिल किया, क्योंकि जो इंसान कोई नेकी करता तो जिहड़ी रहमत उन्हें मिलती नज़र नहीं आती, पर इंसान को पता लग जाता है कि जे मैं नेकी का बीज बोया सी तो परमात्मा ने फल किन्ने खुशियां दिते मिलने, इसलिए बहुत खुशियां, बहुत रहमत मालक ने इस परिवार से करनिया है, और एक बार फिर साडे वालों और सारी संगत की तरफों तो सारिया नूं बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। चालू करके रखना, मैं मड़े कलर सेट करने और हूँ तैयार हो फिर सत्संग का आनंद लैण नूं, ते कह दिओ असीं तैयार खुश भी हो ना, मैं बहुत दिलों कहना फिर, और सच्ची गल है जिहड़ा कहेगा खुशियां नाल भरपूर करके भेजांगे, समझ दिओ, क्योंकि कई बार बंदा कहिंदा है कि देखांगे भी यह होना या नहीं होना, पर इतने देख दिखा का सवाल नहीं, इतने है करके दिखावे, समझते हो कि नहीं, क्योंकि यकीन रखो मालिक की रहमत भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो घर च कोई कमी नहीं है, सो आओ हूँ अपना ध्यान अपनी सुरती उस मालिक के चरण में जोड़िए और सत्संग का आनंद लैके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिका दी, जय मालिका दी, जै।